आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च से हो गया है और इन दिनों आईपीएल के मैचों की चर्चाएं सुर्खियों पर हैं। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आई हैं आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत की लव स्टोरी, जिसे देखने के बाद आपको भी लगेगा कि ऋषभ पंत सिर्फ बल्लेबाजी और कप्तानी में ही शानदार प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि इनकी लव लाइफ भी बहुत शानदार है। जी हाँ, दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आईपीएल 2021 के शुरुआती मैचों में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी भी की, टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। क्रिकेट की तरह ऋषभ पंत की लव लाइफ भी काफी शानदार है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद ही अपने रिलेशनशिप के बारे में फैंस को बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने बर्फीली वादियों में ईशा नेगी से प्यार का इजहार किया था। ऋषभ उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ईशा नेगी भी वहीं के रहने वाली हैं। ईशा नेगी की स्टडी की बात की जाए तो उन्होंने देहरादून के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में पढ़ाई की है। ईशा ने उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी से बीए इंग्लिश में ऑनर्स किया है और इसके साथ ही वो दिखने में काफी ग्लैमरस है। आपको ये भी बता दें कि पंत की गर्लफ्रेंड को सोशल मीडिया का क्वीन भी कहा जाता है। वो इंस्टाग्राम पर लगातार पोस्ट शेयर करती रहती हैं, जिसके कारण उनके काफी ज्यादा फॉलोवर्स भी हैं। वैसे तो ईशा एंटरप्रेन्योर और इंटीरियर डेकोर डिजाइनर है, इसके साथ ही फैशन के साथ साथ उनके साहित्य में भी गहरी रुचि है। ईशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और इंस्टाग्राम पर अपनी कई ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। तस्वीरों को देखकर उनका अंदाज किसी मॉडल से कम नहीं लगता। हर तस्वीर में ईशा की अदाएं देखने लायक है। ईशा से पहले पंत का नाम मशहूर एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के साथ जुड़ा था और इसके साथ ही आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं। दरअसल साल 2019 में पंत और उर्वशी को जुहू के एस्टीला होटल में लेट नाइट डिनर डेट पर जाते हुए देखा था। इसके बाद मीडिया में दोनों के डेट करने की खबरें चलने लगी थी। उस दौरान ये कहा जाने लगा था कि उर्वशी भारतीय क्रिकेटर से बात करना चाहती थी, लेकिन पंत ने उनका फोन नहीं उठाया था। बाद में उर्वशी ने उन्हें ब्लॉक कर दिया था। दरअसल पंत उस दौरान अपने करियर को लेकर काफी परेशान चल रहे थे, इसी कारण उन्होंने उर्वशी के फोन पर ध्यान नहीं दिया और बाद में पंत को ईशा मिल गई और उसके बाद इनकी लव स्टोरी काफी दिलचस्प हो गई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।